तो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा कि मेरे आधार कार्ड से 4 मोबाइल नंबर और सिम कार्ड खरीदा गया है। तो इनमें से अगर मुझे कोई ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है जो कि मेरे पास नहीं है, मैं यूज नहीं कर रहा और मेरे कोई पहचान में भी इन नंबर्स को कोई यूज नहीं कर रहा, तो मैं उसको बंद करवा सकता हूँ। वैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट नंबर दिखाई नहीं देता है, शुरू के 2 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देते हैं। इससे आप गेस कर लोगे कि ये मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे या फिर आपका कोई रिलेटिव यूज कर रहा या फिर कोई और ही यूज कर रहा और आपको खबर भी नहीं है। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो कि अननोन है लेकिन आपके आधार कार्ड से इशू किया गया है, आपके आधार कार्ड के माध्यम से चल रहा है, तो यहाँ पे आप उस मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करके नोट माई नंबर पे सेलेक्ट करोगे और रिपोर्ट कर देना है। ऐसा करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये भारत सरकार की कंपनी है, उस सिम कार्ड को, उस नंबर को बंद कर देगी। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने पता किया, कैसे मैंने चेक किया कि मेरे आधार कार्ड से कितना मोबाइल नंबर चल रहा, कितना सिम कार्ड खरीदा गया है। तो बेसिकली आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। गूगल पे जाके सर्च करना है संचार साथी पोर्टल, आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है, संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा, sanchaarsaathi.gov.in। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको नो योर मोबाइल कनेक्शंस ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे, इस URL पे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये भारत सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पे बस आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो आपके दिमाग में अभी ये आया होगा कि आपने शुरू शुरू में कहा कि आप ये बताओगे कि आधार कार्ड से कितना मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, कितना सिम कार्ड इशू किया हुआ है, वो आप बताओगे। तो एक्चुअली में क्या है, जो आपने अपना मोबाइल नंबर अभी लिया हुआ है, जो आप यूज कर रहे, वो भी आधार कार्ड के माध्यम से ही इशू कराए होंगे। जब आप सिम कार्ड खरीदते हो तो आपको आधार कार्ड देना होता है। तो ये मोबाइल नंबर जो आप इंटर करोगे वो ऑलरेडी किसी आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। तो जो ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आप इंटर करोगे, वो जिस आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है, उसी आधार कार्ड से बाकी कितने और सिम कार्ड इशू किए हुए हैं, लिंक किए हुए हैं, कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है जो कि इस बॉक्स में दिखाई देता है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। मोबाइल नंबर कैप्चा टाइप करने के बाद आपको वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है उस पे OTP आएगा। तो आपको अपने मोबाइल में SMS ऐप ओपन करके 6 डिजिट का OTP चेक कर लेना है और यहाँ पे इस बॉक्स में इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है कि कितना कितना सिम कार्ड और कौन कौन सा नंबर आपके आधार कार्ड के माध्यम से इशू किया गया है। जो नंबर आपको अपना नहीं लगता है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके नोट माई नंबर पे सेलेक्ट करके रिपोर्ट कर दोगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उस नंबर को बंद कर देगी।